कौन है वो खबरी जिसने पुलिस को बताया कि मैं अजय वर्मा को मारने जाने वाली हूँ? ये डिब्बी देख रहे हो, जापान में पुलिस वाले इसी से सारा सच उगलवाते हैं। तुम सब लोग एक एक गोली खाओगे। बिन्ने, तुम सब में से जो झूठ बोल रहा है उसकी जबान गोली खाने पर भी नीली नहीं होगी। तो तुम हो पुलिस की मुखबिर, दिखा जबान। तुम तीनों जाओ वहां पर। ताई बिन्नी आ जाओ। हमसे भी पूछताछ करेगी क्या? सब बराबर है, जबान दिखाओ अपनी। बचपन में मेरी आई ने मुझे कहानी सुनाई थी। एक लड़का था जिसे झूठ बोलने की आदत थी। उसकी आई उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी आई के सपने में स्वामी विट्ठल आए और उन्होंने उसकी आई से कहा, मांग जो वरदान मांगना है। उसकी आई ने वरदान मांगा कि उसे अपने बेटे की इस आदत को छुड़वाना है, झूठ बोलने की आदत। स्वामी विट्ठल ने कहा कि अगली बार जब उसका बेटा झूठ बोलेगा तो उसकी जीभ बाहर लटकेगी, उसके शरीर का रंग बदल जाएगा। यहाँ पर भी किसी का शरीर का रंग बदला बदला सा है। आप और बिन्नी, आप दोनों ही हो ना वो मुखबिर? इन सब की जबान नीली है लेकिन आप दोनों की नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने गोली खाई नहीं। अरे ये गोली परचून की दुकान में मिलती है हाजमा के लिए और नीला रंग छोड़ती है। अच्छा है बेटा, तेरी माँ की बातें याद है तुझे आज भी, लेकिन इस माँ की कोई बात याद नहीं तुझे। याद है जब तू पहली बार मिली थी हमें? पापा, ये खुद को मारने जा रही थी, जैसे तैसे करके आपके पास ले आई। बहुत दर्द छुपा है अंदर। नहीं, ना ही दर्द है ना सुकून। एक लाश, जैसे वो कुछ महसूस ही नहीं कर सकती। लाश सांसें नहीं लिया करती बेटा। मेरी सांसें औरों पे बोझ बन गई है। अगर सांस लेती हूं तो बाबा के मुंह से गाली निकलती है और आई के मुंह से बद्दुआ। किसके लिए जीऊं? खुद के लिए, इनके लिए, उन औरतों के लिए जिन्हें कोई हमारे पास नहीं ला सका और जो जुल्मों से तुमसे तंग आके जमीन दोस्त हो गई। आज से हम तुम्हारी माँ हैं। हम किसी भी खतरे को तेरे दामन को छूने तक नहीं देंगे। हमने तुमसे वादा किया था बेटा, तो तुम्हें खतरे के मुंह में कैसे जाने देती? तुझ पे जुनून सवार था, होश नहीं था तुझे। अपने बच्चे को बचाना इस माँ का फर्ज था और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। पता नहीं बदले की आग में मैं कैसे बेकाबू हो गई। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। और अजय गुनेगार है, हम उसे उसी तरीके से सजा देंगे जैसे चिंगारी गैंग बाकी दोषियों को सजा देती आई है। कानून से बचकर अपने तरीके से। शुभानी ताई, आपका लेटर लाए दे। मेरी डार्लिंग शिबानी, जब से तुम्हारी मदमस्त निगाहों में झांक कर देखा है कसम से डूब सा गया हूँ। ये बिल्लू चंपत दीवाना हो गया है। तेरी मोहब्बत में, तेरी पतली कमर में जादू, तेरी तिरछी नजर में है जादू। बिल्लू चंपत, ढूंढो इस बिल्लू चंपत को।
तब तक मैं उस अजय वर्मा का पता लगाती हूँ। उसे तो हसीना मलिक के नाक के नीचे से मैं लेकर ही जाऊंगी। आज रात को अजय को उसकी सजा मिल के ही रहेगी। Excuse me. Yes. आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। Thank you. मैं आपको किस नाम से बुला सकती हूँ? अगर प्यार से बुलाना चाहो तो विक्रम वर्मा भी बुला सकती हो। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहाँ थी आप? आपके बिना ये पार्टी एकदम रूखी सी थी। मैं अकेले में पार्टी करना पसंद करती हूँ। मुझे अकेले में पार्टी करना बहुत पसंद है। आप आएंगी मेरी पार्टी में तन्हा? अभी? कल किसने देखा है? लाइट भी अभी जानी थी। सॉरी 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 सॉरी। ये पर्दा हमारे बीच में कब तक रहेगा? अब तो अपना चेहरा दिखा दो जालिम। साथ चलो, सारे पर्दे उतर जाएंगे। विक्रम, गाड़ी में मत बैठना। जी जी, जल्दी बैठ, क्या कर रही है? ओह नो, हमारे पास तो ड्रग्स है, अगर पुलिस ने देख ले तो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। ये क्या था? क्या था ये? भगा दिया तुमने मेरी फ्रेंड को। आप जानते हैं उसे? तुमसे मतलब? ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। देखिए, ऐसे किसी अनजान इंसान के साथ गाड़ी में बैठना आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। तुमने मेरी रात बिगाड़ी है ना, मैं भी तुम्हारी रात बिगाड़ूंगा। अब मैं पूरी रात यहाँ पे पार्टी करूंगा और तुम मेरी चौकीदारी करोगी। फोन करके अपनी मम्मी को अभी बोल दो कि आज गुड़िया घर नहीं आएगी, समझी? सॉरी सर। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। जय हिंद मैडम सर। क्या बोला? सॉरी, जानबूझ के टकराता है, बोलता है सॉरी। जानता है मैं कौन हूँ? गलती से तू जानता है मैं कौन हूँ? एक मिनट, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप ये? मिस्टर विक्रम, काम डाउन। आप प्लीज जाइए। मिस्टर विक्रम, प्लीज काम डाउन। आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, प्लीज आप घर चलिए। कौन है तू? माँ है मेरी, बीवी है, एक गर्लफ्रेंड है कि तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा। तू सिर्फ एक मामूली SHO है। उसकी मैया की सासू मैया। चौकीदार है तू।
उसको अपनी औकात में रहना, समझी? वेटर पानी है ना? अरे मैडम सुबह से ड्यूटी कर रही है यार, थक गई होंगी बहुत देर से। हाँ प्यास भी लगी होगी ना मैडम, थोड़ा सा पानी प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। अरे मैडम पे तो पानी गिर गया। अजनबी के साथ जाना आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। जिंदगी को धोखा देकर जिंदगी जीता हूं मैं। अजय नाम है मेरा, लेकिन अब नहीं है, अब विक्रम है। ये होती है पावर। बता दिया तुझे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकती, सैल्यूट मारने के सिवाय। अब यहीं पे खड़े रहो, चौकीदारी करो और सैल्यूट ठोको। चल मैडम सर। अजय बहुत पैसे वाला था और इसीलिए उसने पूरा केस घुमा दिया। वो क्या है ना, पुलिस जब एक केस को बंद कर दिया ना, तब हम चिंगारी गैंग उसी केस को ओपन करते हैं। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। सॉरी हसीना मलिक, तुझसे ये केस नहीं सॉल्व होगा। भाई बाबा ने भी घर से निकाल दिया, वो तो मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने तो मुझे देखा था। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मर चुकी है वो हमारे लिए, अपने पिता को जीते जी मार दिया उसने। नहीं हो रहा है हमसे ये सब, बिल्कुल नहीं हो रहा। इतने मजबूर कैसे हो गए हम? ये क्या कर रहे हैं हम? मुजरिम को सजा देने की जगह प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बेइज्जती सहन कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो रहा है हमसे अब। पंद्रह मिनट बाद हमको वॉकी टॉकी पे ये खबर देना है कि विक्रम के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, उसको मारने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? ये तुमको ऐसा खबर मिला, ये तुम हमको खबर दोगे और ये बात मैडम सर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुमको करने के लिए बोला, ठीक है? समझ गए? 15 मिनट बाद वॉकी टॉकी पे। मैडम आप ना बिल्कुल बेफिक्र रही है, मैडम सर को सातों जन्म में बात पता नहीं चलेगा, हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। बहुत बढ़िया। कर रही हो? पता कोई? कहां, कोई आया ही ना। शिवानी को पता चला ना कि तू लड़के पटाने के लिए यहां बैठी है, तो पता नहीं इस बार कौन सी गोली खिलाएगी। अरे वैसे उसे एलर्जी है प्यार मोहब्बत के नाम से। अरे उधर जा आ रहा है वो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। रे
कहाँ जा रहा है इतना टिच्चू बन के? वो जॉब लगी है हमारी, तो आज से रोज ऑफिस जाना है। वो हमारी बाइक। अच्छा, बाइक तो लेके जा। नहीं नहीं, आप आराम से बैठिए, हम शाम को ले लेंगे। अरे रे, सुन तो, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आप बैठिए आराम से, आप बैठिए। यो तो चला गया। ये क्या कर रही है? देखो चला गया, ऐसे चला गया जैसे चुड़ैल देख लिया उसने। अच्छा क्या चला गया? अरे आंखों में आंखें डालने के लिए कहा था, लेकिन तू तो ऐसे देख रही थी जैसे कि उसकी आंखें ही निकाल देगी। तो तू अब हेल्प ना करेगी मारी? कंधे में बड़ा दर्द हो रहा है। आप हमारे पीछे आइए। जी। ये आपकी गाड़ी है? जी नहीं, ये हमारे दोस्त की गाड़ी है। वो आपको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बात सबको पता नहीं चलना चाहिए ना कि पुलिस आपके साथ साथ है, इसलिए हम अपना दोस्त का गाड़ी लाए ताकि किसी को कुछ शक ना हो। ठीक है आइए। क्या हो गया? टायर पंचर है हमारा। अरे, और अभी हमें अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना है। अर्जेंट है बहुत। हाँ। तो हम पहुंचाते थे, हमारी गाड़ी है। पक्का? हाँ हाँ पक्का, आइए आइए जल्दी आइए, अर्जेंट है मीटिंग, आइए। हेलो करिश्मा मैडम, कम इन। हेलो करिश्मा मैडम, कम इन। हाँ हाँ चीते बोलो। हेलो मैडम, विक्रम जी के जान को ना बहुत ज्यादा खतरा है। खबर मिला है कि बहुत सारा लोग उन पर अचानक से हमला करने वाला है। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद। जी मैडम, जी मैडम। अरे ये कहाँ ले रही हो तुम? अरे खतरा है तो घर की तरफ लो ना। गीदड़ का मौत आता ना तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं गीदड़ हूँ? नहीं नहीं, आप गलत बात पे फोकस कर रहे हैं। जब उनको पता चलेगा जो आपका पीछा कर रहे हैं कि आप बचने के लिए घर की तरफ भाग रहे हैं, तो आपके घर के रास्ते में आपको पकड़ लेंगे ना आपके, समझिए आप बात को। गीदड़ शहर की तरफ भागता है लेकिन हम जंगल की तरफ भागेंगे। हाँ बराबर है, हाँ हाँ जंगल की तरफ लो, हम वहीं पे छुपेंगे, है ना? सर आप झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए, वो लोग पीछे आ रहे हैं। कौन? मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। कैसे नजर आएगा? आप पुलिस हैं क्या? नहीं है ना? नहीं। हाँ तो उन्होंने वो राइट टर्न लिया है, अभी हमारे साथ वाली गली में ही होंगे, आगे से आके हमको पकड़ेंगे। अब चुप जाइए। अरे तो टेंशन में ब्लैडर भी फुल हो गया है। सर अभी सुसु करने का टाइम नहीं है, फटाफट डिक्की के पीछे आके छुपिए। डिक्की? हाँ हाँ चलिए 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 चलिए। इजी है ना? मैडम सर का इंसल्ट किया ना तुमने, उनको दुखी किया ना तुमने, देखते जाओ का सरप्राइज है तुम्हारे लिए।